आज हम आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से लस्सी बनाकर दिखाएंगे दोस्तों, जो गर्मी के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होता है और इसे हर घर में गर्मी के दिनों में बनाया जाता है, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी लस्सी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर देंगे जिससे लस्सी का स्वाद जो है दोगुना हो जाएगा, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, इसे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। वाव, देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे लस्सी बनाना। जी हाँ दोस्तों, जो लस्सी गर्मी के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होता है और इसे हर घर में गर्मी के दिनों में जरूर गेस्ट आते हैं या अपने लिए भी इसे बनाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लस्सी बनाना। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लस्सी बनाकर दिखाएंगे जो गर्मी के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। तो इसके लिए हमने दही लिए हैं और दही को हम अच्छे से पहले फेंटेंगे। तो फेंटने के लिए हम यहाँ पे लेंगे ग्राइंडर जार। बहुत ही आसान तरीका है और फायदेमंद इतना है कि हम आपको क्या बताएं दोस्तों। तो अब हम इसे दही को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इस तरीके का दही लेना है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि गर्मी के मौसम के लिए ये बिल्कुल ही रामबाण साबित होता है। ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है, ये हमारी स्किन जो होती है ग्लो करती है। तो हमें दही का लस्सी जरूर पीना चाहिए गर्मी के दिनों में। अब हम इसमें एक गिलास दूध ऐड करेंगे, इससे हमारा लस्सी जो बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। दूध और दही मिलाकर लस्सी बहुत ही बेस्ट तैयार होता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। एक कटोरी हमने चीनी लिया है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे ताकि ये दही और दूध के साथ अच्छे तरीके से मेल्ट हो सके। तो अब हम इसके ढक्कन को फटाफट लगाएंगे, ग्राइंडर जार में हम इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। वाह, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे कितने अच्छे तरीके से चीनी और दही को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लिए हैं। दोस्तों हमें जब तक ये चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है। तो अगर आपके पास ग्राइंडर जार नहीं है तो आप घबराए नहीं, आपके घर रही होगा, रही हर घर पे होता है, तो रही से इसे अच्छे तरीके से फेंट ले। इतना देर तक फेंटे जब तक चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए लस्सी जो है हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अब हम इस तरीके का गिलास लेंगे और इसमें हम लस्सी को ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा प्यारा लस्सी जो है हमारा तैयार हो गया है। इतना टेस्टी लस्सी लगता है दही का और दूध का, इसका कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, दही और दूध एक साथ, और वो भी इतना टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स अपने घर इसे जरूर बनाइएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मलाई। ये देखिए मलाई जब पड़ता है तो लस्सी का स्वाद ही बदल जाता है दोस्तों। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी लस्सी के में मलाई ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा किशमिश ऐड कर देंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। वाव, तो दोस्तों आप देख सकते हैं लस्सी हमारा जो है कितना प्यारा बनकर तैयार हो गया है। इसे आप गर्मी के दिन में मजे लेकर पी सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं सुपर्ब लस्सी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स।
तो चलिए, मेरे वीडियो को पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अब गर्मी के मौसम आ चुके हैं दोस्तों। तो बिहार का नंबर वन लस्सी बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब अंजलि को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।